नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। राजा के व्यसन के संपत्ति को वृद्ध कर किए जा रहे हैं। शासन तंत्र का व्यसन है। गोभी निकट सचिव सत्यवाद भी अनुधन दानशील सत्यवृद्धाते वही कर्ण पुराण माहेश्वर कुमार का खंड अध्याय दो काशी खंड अध्याय दो एक ही श्लोक दो बार प्रयुक्त हुआ है। गोभी जो वंश पृथ्वी के धारक हैं इनको वित्तीय तबलुप्त करने का अभियान है। सदाचार संयम संपन्न वेदक ब्राह्मणों विकसित रूप करा अभियान है। ऋगादि वेदों को विकसित करने का अभियान। सती सातवी सत्यवाद लोह दानशील को भी विकसित अवलुप्त करने का अभियान है। पृथ्वी के धारक तत्वों को विकृत अवलुप्त करने का अभियान ही आजकल विद्यमान है। इसलिए विकृति के चरम सीमा के बाद ही संस्कृति का उत्थान होता है और अराजक तत्वों के दमन का मार्ग प्रशस्त होता है। धर्म का चौथा चरण एक चरण गाय भी है, तो यदि उपकरणों के कारण ही गाय की हानि हो या उसको काटा जाए तो शंकराचार्यों का कर्तव्य क्या होता है? आपका कोई कर्तव्य नहीं होता है। शंकराचार्य सेना बनने के लिए तैयार है क्या? क्या बोलना चाहते हैं? हमारा कर्तव्य अपने नाम गुण कर देखिए, हम अपना पालन करते हैं। आपको रोटी अब हलवा चाहिए और शंकराचार्य के सैनिक बनकर कामना करेंगे और शंकराचार्य का आक्षेप लगाएंगे। ये नाम गुण के देखिए हम क्या करते हैं अपने पास। 52 दिनों से हम तिहाड़ जेल में रहे हैं, समझते हैं? 52 दिनों से हम तिहाड़ जेल में रहे हैं। अठारह महीने पहले मैंने ही कहा था हिंदू राष्ट्र भारत, जिससे आप प्रश्न कर रहे हैं उसी ने यह लहर चलाई। अमेरिका तक में लहर चल रही और सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आज हिंदू थे या नहीं? मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? मेरे घर में अपने सत्याशीलन कीजिए। श्री ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति श्री वन नारायण के नाभि कमल से हुई। ब्रह्मा जी ने योग बल से चंद को शत्रुता का अभिव्यक्त किया। शत्रुता ने योग बल से चंद को 84 लक्ष योनियों में संभावित स्त्रियों के रूप में व्यक्त किया। मनु ने योग बल से चंद को 84 लक्ष योनियों में संभावित पुरुष के रूप में व्यक्त किया। श्रीमद भागवत के दूसरे तीसरे स्तर का अध्ययन कीजिए। मरीचि कश्यप आदि की धनपत्नियों के गर्भ से देवता गर्भ ही नहीं बल्कि स्थावर प्राणी भी उत्पन्न हुए। करुणता गर्भ सबके पूर्व सनातनी वैद्य उत्पत्ति।
के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।